हूँ आपके साथ आसन जया। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के जनरवा गांव में। ये गांव से निकल करके बुढ़वा रास्ता जाता है और रक्सौल से चैलाहा मोतिहारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से ये सड़क जुड़ती है। अभी हम किनारे में और देख सकते हैं कि लगभग 1.5 फीट के करीब यहाँ पर पानी है, 1 फीट 1.5 फीट पानी है। और सबसे पहले इधर देखें आप, ये चारों तरफ पानी ही पानी है और ये महीना जून का चल रहा है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, लोग ये बता रहे हैं कि हमारी उम्र जितनी हो गई है मैंने जून में कभी बाढ़ नहीं देखा। एक तरफ कोरोना महामारी से भारत के लोग और ख़ासकर बिहार के लोग उभरे नहीं हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ तबाही मचा रही है। मानसून की एंट्री जब से हुई है तो आसमान से आफत ही बरस रही है। यहाँ पर यहाँ के एक नागरिक हैं, उनसे हम जानने के कवाम हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बाढ़ प्रत्येक साल बाढ़ आता है। जी, हर साल बाढ़ आता है। तो ये जून का महीना चल रहा है और हिंदी महीने का ये जेठ चल रहा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र करीब 40 साल की है। 40 साल की उम्र में जेठ में कभी बाढ़ आते हुए आपने देखा है? मैं क्या, मेरे पूर्वक लोग भी बता रहे हैं कि मैं मतलब जून के महीने में कभी बाढ़ अभी आया ही नहीं है। जून के महीने में अभी बाढ़ नहीं आया कभी? जी, भी जी नहीं, अभी तक जून के महीने में कभी बाढ़ नहीं आया था। ये बाढ़ आने का कारण क्या है? इतना बाढ़ आने के कारण नदी का उधर बांध है, वो बांध टूट गया, उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, इसके लिए मतलब इधर पानी ज़्यादा आ रही है। कौन कौन नदी का बांध है? बूढ़ी गंडक की मतलब उधर बांध है ना। अब देख रहे हैं, इनका कहना है कि हम तो क्या, इनकी उम्र 40 साल है, हम तो क्या हमारे पूर्वज भी जेठ के महीना मतलब जून का जो महीना चल रहा है इस महीने में कभी भी यहाँ बाढ़ नहीं आया, मगर ये बाढ़ जो है तबाही के रूप में आ चुका है। सैकड़ों गांव इस पानी से घिर चुके हैं और लोगों का आने जाने का आवागमन जो है वो बाधित हो चुका है। अगर आज के डेट में किसी की तबीयत ख़राब होती है और मोतिहारी जाने की कोशिश करे तो मोतिहारी नहीं पहुँच पाएगा और इलाज के अभाव से वो उस आदमी की मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है, वो आदमी दम घुटकर गांव में ही मर जाएगा। मगर इस आपदा में, आपदा को अवसर में बदलने के लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपदा को अवसर में बदला जाए, वहीं दूसरी तरफ आपदा के अवसर में बदलने की अगर किसी से सीख ली जाए तो इन बच्चों से सीख लिया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इस आपदा में जहाँ एक तरफ रोड पार करने में लोगों की सांस फूल जाती है, डर लगता है, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे इस बाढ़ के पानी में नहाते हैं और आनंद लेते हैं। हालांकि ये गलत है क्योंकि अधिकतर केसेस आ रहे हैं कि बच्चे बाढ़ में नहाने जा रहे हैं और डूब जा रहे हैं और डूबने का खतरा भी है, इसलिए इनको ये जान जोखिम में डालकर नहाना नहीं चाहिए। मगर इस बाढ़ के दिनों में जब भी इस इलाके में बाढ़ आती है तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये अवसर में तब्दील कर लेते हैं इस आपदा को और ये मौज मस्ती करने लगते हैं, नहाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन जिया, NN News मोतिहारी।